नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरी YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाला है क्योंकि इसमें कोई डिज़ाइन विज़ाइन नहीं बनने वाला है। जिस तरह मैंने बताया था कि हम लोग A4 एप्पल से स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले से ही स्टार्ट करेंगे, तो ये एक दो वीडियो ये पहले टूल्स के ही हो गए, तो मैं फटाफट इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा ताकि हम बहुत ही जल्दी से डिज़ाइन बना पाएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं ये सब टूल है, ये चार, 1 2 3 4 5 5 टूल के बारे में ही बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या कि जो बिगिनर है, जो नए हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, उन लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो पहले से हम ये टूल के बारे में जानेंगे। सबसे पहला टूल है वो है लाइन। तो इस टूल से आप लाइन बना सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे मतलब लाइन बना सकते हैं। अगर आपको चौरस लाइन मतलब सीधी लाइन लेना है, ठीक है, इस टूल से, तो सिलेक्ट कीजिए यहाँ से, फिर कंट्रोल प्रेस करके रखिए, फिर क्लिक करके छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सीधी लाइन लेना है, कंट्रोल प्रेस किया छोड़ दीजिए। ऊपर लाइन लेना है, कंट्रोल प्रेस छोड़ दीजिए। अगर सीधी लाइन नहीं लेना है तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टूल, लाइन टूल। अभी हम दूसरे टूल्स की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पॉली लाइन, ये वाला टूल। ठीक है, तो ये वाले टूल को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो मैं पहले एक डेमो बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मेरे को अभी ऐसी ऐसी लाइन बनाना है। ठीक है, अगर ये लाइन टूल में हम सीधी लाइन ही बना सकते हैं, इस टूल में हम इस तरह की लाइन बना सकते हैं, वो कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपको कॉर्नर पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो आपको लेफ़्ट की दबाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉर्नर है तो मैंने लेफ़्ट की, अभी हमको ऐसा चाहिए मतलब ये राउंड शेप में चाहिए। ठीक है, तो राउंड शेप के लिए यहाँ पे आपको राइट क्लिक प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, राइट क्लिक, ठीक है, अभी यहाँ पे भी कॉर्नर है तो यहाँ पे भी राइट क्लिक प्रेस कीजिए। यहाँ पे फिर से कॉर्नर है, यहाँ पे फिर से राइट क्लिक, राइट और राइट और फिर एंटर। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, अभी हमको ये वाला नहीं चाहिए। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी मेरे को इस तरह से बनाना है। ठीक है, इस तरह से लाइन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ़्ट की से आपको कॉर्नर बनेगा, ये वाला कॉर्नर है, मेरे को कॉर्नर चाहिए, तो यहाँ पे कॉर्नर वाला मतलब कि लेफ़्ट की प्रेस कीजिए। यहाँ पे फिर से कॉर्नर है, फिर से लेफ़्ट की, ऊपर कॉर्नर है, लेफ़्ट की, लेफ़्ट की, लेफ़्ट की, एंटर। ठीक है, अभी मेरे को इसमें एडिट करना है, मेरे को इसमें मतलब गोलाई वाला चाहिए, मतलब राउंड पॉइंट चाहिए, मतलब इस तरह से चाहिए जो पहले हमने बनाया था उस तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए और एच प्रेस कीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम राउंड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चौरस है मतलब कि ये कॉर्नर वाला पॉइंट है, इसको राउंड शेप में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप स्पेस दबा दीजिए, तो ये फिर एंटर, तो ये राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला से ठीक है, ये वाला करना है तो एच सिलेक्ट करके एच प्रेस कीजिए, फिर जो जिस पॉइंट को आपको कन्वर्ट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, स्पेस दबा दीजिए, तो आपका ये राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ठीक है, और इस पॉइंट को आप इधर उधर हटा भी सकते हो, ऊपर नीचे कहीं पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अभी आपको पॉइंट ऐड करना है, जैसे चौरस पॉइंट ऐड करना है तो आपको लेफ़्ट की प्रेस कीजिए, तो आपका ये कॉर्नर वाला पॉइंट ऐड हो जाएगा, और इसको आप इधर सिलेक्ट करके इधर उधर हटा भी सकते हैं। ठीक है, अभी इसको फिर से राउंड करना है तो स्पेस दबा दीजिए, एंटर, फिर कॉर्नर वाचा है, फिर स्पेस दबा दीजिए, फिर एंटर। ठीक है, तो ये था सिंपल टूल्स का ये लॉजिक। उसके बाद हम इससे कुछ बना के देखते हैं। ठीक है, सिंपल डिज़ाइन ये यहाँ से मतलब पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद ये करते हैं। ठीक है, मेरे को ऐसा डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप कॉर्नर देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको पहले लेफ़्ट की प्रेस करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये पूरा राउंड है, तो यहाँ पे मेरे को राउंड शेप चाहिए, तो मैंने राइट क्लिक प्रेस किया, फिर यहाँ पे कॉर्नर है ये वाला, तो यहाँ पे फिर से कॉर्नर वाला मतलब लेफ़्ट की, उसके बाद यहाँ पे फिर से राउंड लेना है, तो यहाँ से राइट क्लिक और फिर यहाँ पे आके कॉर्नर में इसको यहाँ पे फिनिश करेंगे, मतलब कॉर्नर वाला मतलब कि लेफ़्ट की प्रेस कर देंगे, एंटर। ठीक है, अभी इसमें आप एच प्रेस कीजिए और कहीं से भी जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये था सिंपल लॉजिक, आप ध्यान रखिए, बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको चौरस वाला पॉइंट चाहिए मतलब कि कॉर्नर चाहिए तो लेफ़्ट की प्रेस करना है, और राउंड चाहिए तो आपको राइट क्लिक प्रेस करना है। ठीक है, तो ये लाइन टूल हो गया, ये पॉली लाइन हो गया, अभी ये पॉलीगॉन, तो इस टूल को ध्यान से देखिए, ये पॉलीगॉन और पॉली लाइन दोनों सेम ही है। ठीक है, हमने पहले ये बनाया था। ठीक है, तो पॉलीगॉन में क्या होगा, यहाँ से पहले कॉर्नर वाला है तो हमने लेफ़्ट की प्रेस की, गोलाई वाला चाहिए तो हमने राइट क्लिक प्रेस किया, फिर से कॉर्नर, तो फिर से यहाँ पे हमने
लेफ्ट की प्रेस की, यहाँ पे राउंड है तो हमने यहाँ पे राउंड वाला किया, ठीक है। तो फिर यहाँ से आपको ऐसे जॉइंट नहीं करना है, ठीक है, यहाँ से आप सीधा एंटर मार देंगे तो ये जॉइंट होगा। ये पॉली लाइन और पॉलीगॉन में यही डिफरेंस है, ठीक है, मैं आपको बाहर फिर से बताता हूँ, ठीक है। ये मैं पहले पॉली लाइन से बनाता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट की, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। अभी यहाँ से हम एंटर मारेंगे तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अभी पॉलीगॉन में क्या होगा, यहाँ से लेफ्ट की, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, और यहाँ से हम एंटर मारेंगे तो वो सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा। पॉलीगॉन और पॉली लाइन में यही डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टूल्स आता है उसका नाम है इलिप्स टूल, ठीक है। तो ये है राउंड, तो राउंड टूल में आपको एक बार जहाँ आपको राउंड चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर दूसरा क्लिक और एंटर मार दीजिए, ठीक है, या तो फिर ऐसा करके दो बार एंटर मार दीजिए तो भी हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको एकदम परफेक्ट राउंड चाहिए तो कंट्रोल प्रेस करके रखिए एंटर, ठीक है, नहीं सॉरी, इसको यहाँ कर दिए, फिर कहीं कहीं पे भी क्लिक किए बिना दो बार एंटर मार दीजिए तो आपका परफेक्ट गोल आ जाएगा। अभी आपको लंब गोल लेना है, ठीक है, ये एक एक क्लिक किया उसके बाद जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप ले लीजिए। तो ये था और अपना इलिप्स टूल। उसके बाद है अपना रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल में सिंपल एंटर बेंटर नहीं मानना है हमको, एक क्लिक किया फिर दूसरा क्लिक, ये रेक्टेंगल बन गया हमारा, एक क्लिक दूसरा क्लिक, एक क्लिक दूसरा क्लिक, ठीक है। और अभी आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए मतलब, ठीक है, तो एक क्लिक कीजिए फिर कंट्रोल प्रेस कीजिए उसके बाद दूसरा क्लिक, तो आपका कम्प्लीटली स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों ये एकदम सिंपल वीडियो था चारों टूल का, अभी आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो इसमें आपको डिज़ाइन चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसमें डिज़ाइन भी अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और इससे आप मतलब कुछ भी शेप की प्रैक्टिस, जैसे हम अभी आपको ये कैरी वाला शेप बताते हैं पॉली लाइन बना के, ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से कोई भी शेप की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, फिर एंटर, ठीक है। अभी यहाँ पे हम एडिटिंग करेंगे तो एच प्रेस करना है, ठीक है, फिर जहाँ पे जिस तरह का पॉइंट चाहिए उस तरह का डाल के आप इसको शेप को एकदम परफेक्टली कर सकते हो, ठीक है। फिर हम इसको एडिटिंग कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से आप शेप की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये मैंने पॉली लाइन से बनाया था, अभी इसको आप पॉलीगॉन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीगॉन में कुछ नहीं करना है, ये आपको ये करिए, ये फिर यहाँ पे आके आपको सीधा एंटर मार देना है, ठीक है। उसके बाद इसको आप रीशेप कर सकते हैं करना चाहते हो तो दोस्तों यही था एक सिंपल छोटा सा वीडियो। अभी डिज़ाइन का भी मतलब इस बार में सब पॉइंट कवर करने वाला हूँ, ए टू जेड, क्रॉस स्टिच, बॉस स्टिच, मतलब जो भी हो, मतलब एम्ब्रॉयडरी के रिलेटेड कुछ भी वीडियो हो, अपना पंचिंग कैसे किस तरह से करते हैं, अपना पल्लू बॉर्डर किस तरह से सेट करते हैं, ये सब मतलब पूरा का पूरा आपको देने वाला हूँ। उसमें सीक्वेंस का भी आ जाएगा, काउंटर रन का भी आ जाएगा, सब कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन अवेलेबल करने की कोशिश करूँगा। पहले तो दोस्तों हमने इस पहले दो तीन वीडियो तो इसी तरह के आने वाले हैं, छोटे छोटे, मतलब केवल टूल्स की नॉलेज दूंगा आपको, उसके बाद हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।